पार्ट नंबर 3 इनाम, इसके लेखक हैं अरुण जी। पहले पीरियड में हमने देखा कि देसी कंपनी ने जो रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज बनाया था उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने जो कंपटीशन रखी थी, उनका प्रबंध जो किया था, उनके लाभ उन्होंने पूछे थे कि रेफ्रिजरेटर खरीदने पर क्या 7 लाभ हैं, और उसके लिए बहुत जनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आए देखते हैं उसकी आगे वाली परिस्थिति क्या है, और ये हास्य व्यंगनात्मक निबंध हम देखेंगे। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों रसोई में जगह कर लेंगे? क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। देखो, लॉटरी खुलने वाली दिन से पहली वाली रात थी जब सब जन कहाँ पर छत पर लेटे थे, तब लेखक का बेटा हेमंत ने अपने पापा को बोला था कि पापा, हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज कहाँ रखेंगे? तो लेखक ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। तो उनके पत्नी ने आंसर दिया कि हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज कहाँ पर रखेंगे? रसोई घर में उसको जगा करेंगे, और उसके लिए आप क्या करिए, बिजली कंपनी में अर्ज कीजिए, दरख्वास्त कीजिए कि हमें घरेलू पावर के लिए मीटर चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, यानी लेखक बोले, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने टेलीफोन पर खबर दी है। तो लेखक मुस्कुराकर उसको बोले, अपने पत्नी को, कि तू कल्पना में इतनी कोई है कि जैसे जो ये रेफ्रिजरेटर है वो हमें ही इनाम मिलेगा, और ये बात तुझे किसी ने टेलीफोन पर खबर कर दी है। देखो, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। पत्नी ने झूठी प्रशंसा की लेखक की कि हमारे टेलीफोन आप ही हो, आपको ही सब बातें मालूम हो जाती है, कब क्या होगा और कैसा होगा। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? देखो, उनकी पत्नी उनको चढ़ा रही है और बोलती कि आप बहुत अच्छे लेखक हो और आप अच्छा लिखते हो, इसीलिए आप होते हुए कोई भी नहीं जीतेगा। पर यह क्या बात, पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो, लेखक ने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैंने जो भी उत्तर लिखा है वो कंपनी के उत्तर से मिलता जुलता रहेगा। उनकी पत्नी बोलती है, अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे यानी सच, जो सच है वो छिपा रहे, ऐसा उनका कहने का मतलब है। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, ये तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। अपने लेखक के पत्नी ने उनसे बोल दिया कि आप तो उस दिन कह रहे थे कि कंपनी के पास ऐसा उत्तर लिखा नहीं रहता, वो क्या करते हैं सबसे उत्तर मंगाते हैं, और उत्तर मंगाने के बाद जिसका अच्छा उत्तर होगा, आंसर होगा, उसे वो इनाम देती हैं। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छाटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। तो कंपनी वाले ने, लेखक ने बोल दिया कि कंपनी वालों के आइडिया अच्छी है कि उनका रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा और उसके लाभ छाटने के लिए उनको किसी एक्सपर्ट के यानी जो भी तज्ञ रहता है, विशेष तज्ञ रहता है, उसके लिए उन कंपनी के पैसे भी क्या हो जाएंगे, बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ाती है, ये लेखक की बेटी है अमिता, वह बोल रही है कि हमारी मम्मी क्या कर रही है, दिमाग की लहरें दौड़ाती है, बहुत विचार आता है उसके मन में कि रेफ्रिजरेटर का इनाम हमें ही मिलेगा और उसके लिए वो
अच्छी अच्छी कल्पना कर रही है। अमिता ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूजूंगा। देखो लेखक की बेटी अमिता बोलती है, ताली पीट कर बजाती है और बोलती, पिताजी मैं क्या करूंगी, फ्रिज आने के बाद रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। और उनका बेटा बोलता है कि मैं बर्फ के क्यूब चूजूंगा। बर्फ के यानी जो हम फ्रिज में रखते हैं ट्रे में, और उसका बर्फ जम जाता है ट्रे में, उसके क्यूब जो रहते हैं वो हम चूसते हैं बचपन में, वो सबको अच्छा लगता है। तभी बगल की छत से आवाज आई, ये है आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टा खोल रहे हैं? बगल की छत से यानी वो जो जिस सिटी में रहते थे उस रो हाउस में सबके लिए क्या था, छत था। तो बगल के छत से आवाज आई कि रोज रोज कौन आइसक्रीम बना रहा है? अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट यानी होटल खोला है क्या, इसीलिए वो रोज आइसक्रीम बना रही है? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। लेखक का बेटा हेमंत चिल्लाया और बोला, ताऊ जी यानी अंकल जी, हमारा रेफ्रिजरेटर हमारा फ्रिज कल आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, वो भी उछलने लगी, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। वो बोलने लगी कि मैं क्या करूँगी, फ्रिज आने के बाद रोजाना यानी डेली आइसक्रीम जमाया करूँगी। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बात कह रहे हो, वो तो मेरे नाम आ रहा है। ताऊ जी ने बोला कि जो रेफ्रिजरेटर आने वाला है उसकी बात कर रही है क्या, वो तो मेरे नाम पर आ रहा है, ऐसे ताऊ जी बोले। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनानाल को पुकारा। लेखक बोल रहे कि उनके पड़ोसी वही जो ताऊ जी बोल रहे हैं बच्चे, उनका नाम था दीनालाल, उन्होंने पुकारा उनको, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है, यानी आपने भी उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है और उत्तर भेजा है क्या? तो दीनालाल जी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। तो उन्होंने दीनानाल ने बोल दिया, दीनदयाल ने, कि मेरा उत्तर सही है और जो रेफ्रिजरेटर है जो फ्रिज है वो मुझे ही मिलेगा। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। तो दीनदयाल ने बोल दिया कि आइसक्रीम आपको खिलाना ही पड़ेगी मेरे घर पर, जब फ्रिज आएगा तब। बच्चे मायूस हो गए, निराश हो गए, मायूस यानी क्या, निराश हो जाना। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। और लेखक बोल रहे कि किस्मत की बात थी कि अगले दिन जब लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला, पहले रेडियो था तो वहाँ पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, जिनका जिस प्रतियोगिता में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके सब आंसर ठीक है, उनमें से दो भाग्यवान विजेते चुने थे, उसमें से एक भाग्यवान विजेता कौन था, लेखक थे। इसके आगे वाला पाठ हम बाद में देखेंगे।